सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन टेक्निकल चैनल को ताकि आपको सभी टेक्निकल वीडियोस मिल सकें, बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिएगा। तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी, स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल ऑल इन टेक्निकल में। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं फिर से कुछ और न्यू कमाल टेक न्यूज के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो टेक न्यूज है वो ओप्पो की तरफ से। फ्रेंड्स, ओप्पो अपना लॉन्च करने वाला है ओप्पो रेनो 3 प्रो। ठीक है, तो ओप्पो रेनो 3 प्रो के अंदर जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको मिलेगा 44 मेगापिक्सल का आगे की तरफ पंच होल कैमरा, जिसमें दो कैमरा आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे की तरफ आपको दो कैमरे मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बैक पैनल भी मिलेंगे देखने के लिए 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि बहुत ही अच्छा होगा इसके अंदर। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको 8GB 128GB के स्टोरेज के साथ जरूर आपको इसके अंदर आपको मिलने वाला है। शायद ये प्रोसेसर के अभी लीक निकल कर नहीं आई है, तो प्रोसेसर के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शायद आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिलेगा, या तो 855 प्लस के आसपास इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर वो देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगला जो है आपको इसके अंदर सबसे बढ़िया स्पेसिफिकेशन, आपको इसके अंदर 30 वाट के फास्ट चार्जिंग मिलेगी, जो कि बुक के 4.0 फ्लैश चार्जिंग के साथ आती है। तो फ्रेंड्स, यही है इस फोन की जो खासियत, और कुछ और जो स्पेक्स आएंगे जो लॉन्च होगा तो बाकी सारी चीज़ें और उसके बारे में बताएंगे हम। तो फ्रेंड्स, अगली जो टेक न्यूज है वो निकल के आ रही है आपकी मोटरोला रेजर, या फिर मोटरोला की तरफ से निकल कर आ रही है। मोटरोला रेजर इसी महीने में आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स, और आने वाला है भारत में लॉन्च होने वाला है मोटरोला रेजर, जो कि एक फोल्डेबल फ़ोन है और काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है देखने में, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे वीडियो में भी, और ये फोटो मैंने जो साइड में लगा रखा है इसमें आप देख ही पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कूल लगता है देखने में। और इसका जो स्पेक्स हैं वो जब ये लॉन्च होगा तभी इसमें मतलब बता पाएंगे पूरे तरीके से। वैसे इसमें ये एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड होगा या फिर 9 पे भी आ सकता है, इसमें से कोई से एक पे होगा। दूसरी बात कि इसमें इसके अंदर आपको प्रोसेसर है, उसमें सुनने में आया कि जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन के 710 के आसपास मिलेगा, जो कि मुझे लगता नहीं है कि थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। उसके बाद फ्रेंड्स, जो इसमें जो क्वालिटी है स्क्रीन की वो कैसी रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें होंगी वो तो थोड़ी बता पाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स अभी आपके लिए खुशखबरी है कि मोटोरोला भी लॉन्च करने वाला है भारत में इसी महीने ये फ़ोन, और इसमें क्या क्या प्राइस रेंज होगी वो आपको लॉन्च होते ही तुरंत बताएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो टेक्नोलॉजी है वो निकल के आ रही है आपकी रियलमी की तरफ से। फ्रेंड्स, रियलमी लॉन्च करने वाला है भारत में अपना रियलमी X50 Pro, जो कि पहले तो चाइना में लॉन्च होगा उसके बाद भारत में आएगा। ठीक है, तो मैं भारत में डायरेक्टली बोल रहा हूँ, बट लेकिन आएगा जरूर भारत में भी। अभी तो भारत में मतलब 5G नहीं है, लेकिन कब तक आएगा भारत में ये नहीं कह सकते, लेकिन भारत में भी लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये जो X50 Pro है फ्रेंड्स, ये 5G फ़ोन है। इसके अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 865, जो आपका उसका स्नैपड्रैगन का 5G प्रोसेसर वही इसके अंदर आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो इसके जो स्पेसिफिकेशन है उसमें क्या है, जैसे आपको इसके अंदर 90Hz का डिस्प्ले मिलने वाला है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, और इसके अंदर आपको 65W का जो सुपर डार्ट चार्जर मिलेगा, जो कि इसकी परफॉर्मेंस और जिसकी बैटरी लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देगा। और चार्जिंग मुझे लगता है कि लगभग आधे घंटे में ये फुल चार्ज हो ही जाएगा कम्प्लीटली। तो जो जहाँ पर आपकी जो चार्जिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जा रही है, और चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती जा रही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके और इस स्पेसिफिकेशन वाला लगाओगे, जो आपका कैमरा सोच रहे हो, तो फ्रेंड्स कैमरा में जरूर आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। जैसे कि कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का तो मिलने वाला है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 865 है, तो ओबियस सी बात है बहुत अच्छा वर्क करने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिकेशन कुछ इसके निकल का मैंने वैसे आपको बता दी, जैसे लॉन्च होगा तो और इसके बारे में आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो एक बात मैं आपको बताने भूल गया था रियलमी की तरफ से फ्रेंड्स, रियलमी की जो आपको जैसे आपको मिलता था रियलमी 3 प्रो, रियलमी 3 ऐसे करके, तो फ्रेंड्स इस तरह से रियलमी का जो 6 सीरीज है वो भी आ रहा है ऐसे ही, उसमें आपको रियलमी 6, रियलमी 6 प्रो ऐसे करके फोन्स मिलेंगे। तो उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन होगी वो तब लॉन्च होंगे, मतलब अभी आएगा, अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आ रहा है निकल के, कुछ लीक्स आ रहे हैं निकल के, उसमें हम देखेंगे कि रियलमी 6 प्रो जो है वो कैसे हैं, क्या होगा, वो सब चीज़ आगे पता चलेगा, लेकिन आएगा जरूर फ्रेंड्स, ये बात पक्की है, डिसाइड हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो अगले टेक न्यूज़ है वो निकल कर रही है मीडियाटेक की तरफ से। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा मीडियाटेक ने निकाले अपने ऐसे करके मीडियाटेक 70G, ऐसे मीडियाटेक हीलियो G90T, ऐसे करके कुछ मतलब प्रोसेसर निकाले। अब उसी कड़ी में अभी ये फ्लैगशिप प्रोसेसर तक तो इसका G90T ही है, और जो कि आपको Redmi Note 8 Pro में देखने के लिए मिल भी जाता है, और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। तो फ्रेंड्स, अभी इसी कड़ी में हुआवे और हुआवे का क्रेन के साथ और स्नैपड्रैगन के साथ कदम मिलाते हुए फ्रेंड्स ये भी अपना लॉन्च करने वाला है 5G प्रोसेसर। अभी लीक्स निकल के आने लगे हैं, तो जो प्रोसेसर होगा क्या क्या उसके अंदर मिलेगा आपको, किस किस तरीके से कैसे कैसे होगा, वो सब चीज़ें बताई जाएगी जब लॉन्च होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये तैयारी में है, पूरा 5G प्रोसेसर लाने वाले हैं, क्योंकि 5G का क्रेज जल्दी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे अब ये भी सुन लो फ्रेंड्स, आप ये कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं कि भारत में 5G जल्दी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे 5G फोन आने लगेंगे उसी तरीके से 5G जो चीज़ें हैं वो होने लगेंगी धीरे धीरे। जैसे जैसे पहले हुआ था एयरटेल, पहले 4G हुआ, उसके बाद धीरे धीरे 4G पूरे भारत में फैल गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको, लेकिन लग रहा है कि टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, आप भी जानते हो कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपको 5G की जो सुविधा है वो जल्दी मिलने लगे। मैं चाहता हूँ, या मुझे मेरा ओपिनियन ये है कि भाई मैं ये मानता हूँ कि जो 5G है वो भारत में इस साल तो नहीं, लगभग अगले साल अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी पढ़ते अगले नाम कहीं और है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते अगले टेक्निक की तरफ, बताओ खत्म।
तो फ्रेंड्स इतना ही था आज की टेक न्यूज़ के बारे में, और जो टेक्निकल न्यूज़ थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। और फ्रेंड्स अब हम कर लेंगे थोड़ा सा चैनल के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं वीडियो लाने में, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि ऐसा है ना, हम लोग जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे मान लो आप हो, आप एक कोई काम कर रहे हो, आप कई बार कोई कुछ काम लग जाता है तो ठीक है नहीं बना पाते हो, कोई काम नहीं कर पाते हो, दूसरा काम छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे ही हमारा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो उसमें उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा वाला सॉरी है, मतलब पहले ही एडवांस में। और फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा काम लगे रहते हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो पहली बार और आप हमारे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो टेक्निकल से जुड़ी रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी, और जो कुछ टेक्निकल बातें हैं वो भी आप डिस्कस करते रहते हैं यहाँ पर। और यदि कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड्स यदि जो पुराने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ यार वीडियो शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों को बताना और करो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहना है और अपने आसपास का वातावरण जरूर से अच्छा रखना, साफ सुथरा रखना। चलो।